नमस्कार। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा अब कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत औरैया की एक विधानसभा पड़ती है, बहुत मशहूर विधानसभा है बिधुना। तो ये बिधुना का ये कस्बा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है और यहाँ के जो मतदाता हैं वो खासे जागरूक मतदाता हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ पसंद आ रहा है या फिर बीजेपी के जो सुब्रत पाठक हैं उनकी जो काम है वो पसंद आ रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आज अभी लोगों से हम बात करते हैं। वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज ही कन्नौज में 7 साल के बाद में पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखे हैं और अखिलेश यादव अपने लिए वोट मांगते हुए देखे गए हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ के हो निवासी? जी भैया, मेरा ब्लॉक अरबा कटरा पड़ता है, ग्राम बढ़ेन। तो अभी क्या चल रहा है कन्नौज लोकसभा में? राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज आए हुए थे, यहाँ पर सुब्रत पाठक भी लड़ रहे हैं। किस मुद्दे को सोचकर आप लोग चुनाव में वोट देने जाएंगे? मुद्दा क्या, बीजेपी सरकार ने यहाँ कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। हाँ। और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हाँ। के शासन काल में जो भी कार्य हुए थे हाँ। वो आज दिन तक वहीं पर पड़े हुए हैं और जितना काम हुआ था वहीं पर है। जरा क्या चल रहा है इस वक्त, क्या मुद्दे हैं आप लोग? कन्नौज का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, चुनाव क्या है? महंगाई को लेकर के चुनाव है हाँ। बेटियों को बचाओ, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कैसा अत्याचार हो रहा है? क्यों, बेटियों कहाँ साबित है हाँ। जिंदा जलाई जा रही है बेटियाँ। अच्छा, और क्या, कानपुर में देख लो, हाथरस में देख लो आप हाँ। और क्या, सरकार सरकार तो अखिलेश भैया की बनने जा रही है। अखिलेश भैया की जी, पूरे कन्नौज में लोकसभा में अखिलेश भैया जी, अखिलेश भैया। तो पिछली बार कैसे भाभी जी को हरवा दिया आप लोगों ने, डिंपल जी को? अरे वो कोई वो था एक नप्तीवार भैया, 400 पार, 400 के ऊपर जा रहे, 4 लाख के ऊपर जा रहे, 4 लाख वोटों से हाँ। भाई अखिलेश भैया में ऐसा कौन सा खास बात है? अरे भैया सब देख रहे हैं, बेटियों को देख रहे हैं हाँ। पढ़ाई लिखाई सब देख रहे हैं, लैपटॉप वगैरह लड़कियों को दे रहे हैं, महंगाई कितनी, सिलेंडर कितना पहुंच रहा है। तो जो अच्छा करेगा उसी के साथ है। कन्नौज में चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव हो रहा है? अरे समाजवादी पार्टी इतना विकास कराया उसने, जब से ये सरकार बनी है तब तक उसने एक रुपया काम नहीं किया, केवल 2 किलो गेहूं के हम गरीब आदमी को 2 किलो गेहूं पे। समाजवादी जिंदाबाद, हमने 5 किलो हाँ भैया 5 किलो गेहूं। ये सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है, खाद की बोरी पहले 50 किलो की होती थी, अब वो 40 किलो की रह गई हाँ। यही मुद्दा है, मुद्दा यही है, परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है, बच्चों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए आप अखिलेश यादव जीत रहे हैं। भाई और बताओ, किसी को नौकरी नहीं दिया? कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को, जो गरीब रिक्शे वाला भी अपने बच्चों को पढ़ाता है किस लिए पढ़ाता है, कि आगे चल के इसको जॉब मिलेगी, और यहाँ जॉब का कोई अता पता नहीं है, कोई पेपर होता है वो दूसरे दिन लीक हो जाता है। हमें साहब कोई एंगल है, हम तो अपने भगवान की पूजा करते हैं, हमें कोई पता नहीं ना, हमें चक्कर भर। अरे तो महाराज कुछ तो पता नहीं साहब, हम कहीं जाते ही नहीं, मंदिर मंदिर सीधे घर, घर से घर मंदिर। अरे कुछ तो सुनाई पड़ा नहीं साहब, हमें साहब कोई पता नहीं, ये सरकार कुछ ठीक कर रही है कि खराब कर रही है, हमें साहब कोई पता नहीं है। मामले आपको क्या पूछना चाहते हैं आप भाई, किस मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट पड़ेगा? चुनाव तो मुद्दा एक है, साफ है कि गुंडगी से मुक्त है सरकार, चैन की नींद सो रहे हैं, कहीं अराजकता नहीं है, आराम से चैन से सो रहे हैं, यही उपलब्धि है। हम लोग तो कह रहे हैं भाई बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी कतई मुद्दा नहीं है, हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को 400 रुपए दिहाड़ी मिलती है, 400 रुपए में चाहे जाए तो कायदे से घर का पेट पालन हो सकता है, और गल्ला तो फ्री मिलता ही है। अच्छा हाँ भैया, क्या है, मिठाई बेच रहे हैं आप, क्या है अभी मुद्दा कौन सा है यहाँ पे? सब बढ़िया है। बढ़िया है ओके, तो व्यापार चल रहा है? बढ़िया ठीक चल रहा है, महंगाई ज्यादा है हाँ ओके। तो महंगाई वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा है? महंगाई खिलाफ वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बढ़िया वोट पड़ेगा। बढ़िया ओके। तो कन्नौज में अखिलेश भैया ठीक है कि सुब्रत पाठक? सुब्रत पाठक
सुब्रत पाठक। अच्छा, अखिलेश भैया की सुब्रत पाठक नहीं बता सकते, नाम नहीं बता सकते। नहीं, काम तो बता सकते हैं, किसका काम क्या था, ये सरकार में काम कैसा हुआ है? सरकार ने काम ठीक किया है, बाद बाकी कौन कैसा ये नहीं बता सकते। अच्छा, सरकार ने कौन सा काम अच्छा किया है? सरकार के तीन चार काम अच्छे हैं। क्या? एक काम जो इसने कोरोना काल में वैक्सीन पूरी की, ठीक है। दूसरा काम इसने जो गल्ला दिया, किसान को सम्मान नहीं दी थी। तीसरे जो चीन बॉर्डर पे इसने जो है दबके ना अपनी पूरी क्षमता दिखाई, यही काम अच्छे है इसके। और कन्नौज के लिए? कन्नौज के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, घर बैठ के आराम की। अच्छा, तो वोट कन्नौज पर पड़ेगा या वो ऐसा है? हाँ। कन्नौज वाला बेकार है दक्कन, क्यों? चुनाव लड़ा जा रहा है मोदी भाई। अच्छा। कन्नौज के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा, कन्नौज के ऊपर नहीं लड़ा जा रहा। नहीं। हाँ भैया, चाय पीते हुए जरा रोशनी डालो, चुनाव किस पर लड़ा जा रहा है? देखिए, अभी के मुद्दे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी है। जिसने अच्छा काम किया होगा उसको वोट दिया जाएगा, चाहे वो सुब्रत पाठक जी हो या अखिलेश यादव जी रहे, कोई भी रहे। अभी कुछ आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है कि और खराब हुई है चीजें? नहीं, जो सुविधाएं अखिलेश यादव ने की थी या डिंपल यादव ने की थी, उससे बेहतर तो हमें नहीं लगता कि सुब्रत पाठक जी ने की। बाकी जो इलेक्शन चल रहा है वो चल रहा है मोदी बनाम अखिलेश यादव, हिंदू बनाम मुस्लिम, इस चीज पे चल रहा है। आप अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो लोगों को आप देखते होंगे कि क्या समस्याएं हैं, किन चीजों से जूझ रहे हैं। तो उस समस्या पर हो रहा है चुनाव क्या आप बता रहे हो? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है अभी भी, वही अभी भी वही चीज है। अभी देखिए, कन्नौज का मुद्दा चलाया है सुब्रत पाठक जी ने कि ये जो तिरवा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम बदल के बाबा साहब हटा दिया था, वो उन्होंने किया। अरे ठीक है, नाम बदलना अपनी जगह, आपने विकास क्या किया वो बताइए। नाम बदलना तो अलग चीज है, अभी मेरा नाम जो भी रहेगा, अब मैं आके अपना कल को अपना नेशनलिटी चेंज कर देता हूँ या अपना नाम चेंज कर देता हूँ, व्यक्ति तो मैं वही रहूंगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बदल दिया या कुछ कर दिया। तो अगर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो रहा है तब किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बीजेपी को जो राजनीति करनी है वो हिंदू मुस्लिम पे ही करनी है, इनके पास और कोई ट्रंप कार्ड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। और कोई डेवलपमेंट उस तरीके से? नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं है सरकार में। एक चीज का मैं बोलता हूँ, योगी सरकार में जो हुआ है अच्छा है और वो होना भी चाहिए। जो गुंडागर्दी होती थी जमीनी स्तर पे, वो लोकल लेवल पे नहीं है, हायर लेवल पे तो अभी भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि योगी सरकार आने के बाद में गुंडे छोड़ गए हैं या माफिया, वो भाजपा में आने के बाद सुधर गए, ऐसा नहीं। लोकल लेवल पर गुंडागर्दी खत्म हुई है, बट हायर लेवल पे अभी भी है। तो निश्चित तौर पर ये कुछ लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की। कन्नौज की जो सियासी लड़ाई है वो बहुत रोमांचक है, और यादव परिवार का ये गढ़ कहा जाता था एक वक्त, लेकिन 2019 में डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हरा कर एक बड़ा सियासी उलटफेर यहां से किया था। देखना है कि इस बार अखिलेश यादव के सामने जो सुब्रत पाठक हैं वो किस हद तक चुनौती दे पाते हैं। कन्नौज से मनोज ठाकुर और इसराइल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।